एसपी मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि डुमराव एसडीपीओ अफाक अख्तर अंसारी के नेतृत्व में एक जांच टीम को गठित की गई थी। मृतक की पत्नी ने बसकेतिया की सरोज यादव पर पैसे के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, लेकिन घटना की जांच कर रही पुलिस को इनपुट मिला कि अवैध संबंधों पर पर्दा डालने के लिए मृतक की पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ मिले इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया है कि अप्रैल की रात अक्षय शराब के नशे में घर आया। असल में वह नशे का आदी था और लगभग हर दिन शराब पीकर घर आता था या फिर घर ही पर बैठकर शराब पीता था। घटना के दिन भी वह शराब के नशे में था, जिसका फायदा ममता देवी और उसके प्रेमी गोपाल दुबे ने उठाया तथा अक्षय कुमार रात में जब गहरी नींद में चल गया था तो दोनों ने उनका गला कुल्हाड़ी से काट दिया। अक्षय अपनी पत्नी की बेवफाई से नाखुश रहता था। वह आए दिन अपने प्रेमी को घर में बुलाती थी। उसकी पहरेदारी में अक्षय ने ठीक दरवाजे के सामने बिछौना डालकर सोना शुरू कर दिया था। उस दिन भी अक्षय ठीक दरवाजे पर सोया था, जो उसकी पत्नी को नागवार गुजरा। पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि प्रेमी के साथ मिलकर ममता ने अपने पति अक्षय की हत्या का प्लान बनाया। उसी मोबाइल फोन की जांच से इस हत्या का राज भी खुल गया। इस घटना में शामिल महिला या उसका प्रेमी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। कुलमनपुर हो या पांडेयपुर, इन गांवों की संस्कृति काफी समृद्ध रही है, लेकिन अक्षय की हत्या में जिस तरह खुलासा हुआ कि अपनों के हाथ ही उसके खून से सने हैं, तो बरबस ही यह सवाल उठने लगा कि जिस समाज में लोग खासकर महिलाएं खून देखकर ही बेहोश हो जाती हैं, वहां यौन उत्तेजना में अंधे होकर लोग हत्या तक की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पत्नियां पति का गला रेत देती हैं। जानकारी के अनुसार नामानगर थाना क्षेत्र के कुलमनपुर गांव निवासी युवक जितेंद्र दुबे उर्फ गोपाल से शादी के बाद से ही ममता का प्रेम चल रहा था। जितेंद्र दुबे का ननिहाल पांडेयपुर था, जो अपने नाना के घर पर ही रहता था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो ये बात स्पष्ट हुई कि दोनों के प्रेम प्रसंग में अक्षय कुमार पांडेय जब से शराब तस्करी मामले जेल से छूट कर आया है, दीवार बन रहा है। सिकरौल थाना के पांडेयपुर गांव के अक्षय पांडेय की गला रेत कर हत्या व मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग में जेल जाने के बाद चार पुत्री और दो पुत्रों का लालन पोषण अब मृतक के भाई अजय पांडेय और लव पांडेय के ऊपर आ गया है। चार पुत्री खुशी कुमारी, अदिति कुमारी, पुतुल कुमारी, महिमा कुमारी और दो पुत्रों आयुष पांडेय, आदर्श पांडेय का मृतक की हत्या के बाद उन लोगों के सिर से पिता का साया उठ गया, जिसके कारण अब उन बच्चों का लालन पोषण मृतक के भाई अजय पांडेय पर आ गया है। खुशी कुमारी अपने ननिहाल रोहतास जिले के ससरी गांव में रहती है।